अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी एक न्यू रेसिपी जो के है चपली कबाब। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये चपली कबाब बनते हैं। सिर्फ 20 मिनट्स में आपके ये चपली कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। शुरू से एंड तक आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और देखिए कितने सॉफ्ट ये चपली कबाब बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार किस्म के चपली कबाब हैं। चले हम अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कीमा लिया था बीफ और चॉप्ड मैंने अनियन इसमें डाल रही हूँ, वन चॉप्ड मैं टमाटो डाल रही हूँ और यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर, धनिया और ये 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर का पेस्ट और 4 चॉप्ड जो हैं वो ग्रीन चिलीज, 2 अंडे और साथ ही यहाँ पे शान चपली कबाब मसाला 100 ग्राम है। इसको अच्छी तरह डाल के सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। हमने अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर देना है और ये हमारे चपली कबाब मसाला बिल्कुल तैयार है। और अब ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा हम कवर करके थोड़ी देर रखेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने जो है टमाटर उसके स्लाइसेस कर लिए हैं ब्रिक ब्रिक। और आपने अब मैं चपली कबाब आपको एक एक बना के दिखाऊंगी, आपने ये सारे टमाटर चपली कबाब के ऊपर लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह की शेप करनी है, अच्छे तरीके से उसको प्रेस करना है। ज़्यादा मोटे नहीं रखने और ना ही ज़्यादा पतले रखने हैं, दरमियाने साइज़ के आपने बनाने हैं। और ये हमारे टमाटर को दरमियान में रख के उसको प्रेस करना है अच्छे तरीके से और ये हमारा कबाब रेडी हो गया। इसी तरह आपने सारे कबाब बनाने हैं। अब मेरे यहाँ पे सारे कबाब रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपने इसी तरह सारे कबाब्स को रेडी कर लेना है और ये देखें फाइनल लुक ये है। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। आपने मीडियम फ्लेम करके इसको दरमियानी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना वरना आपके ये जल जाएंगे। तो आपने एक साइड से पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और फिर दूसरी साइड से, ये देखिए एक साइड से फ्राई हो गया तो मैंने दूसरी साइड पे इसको टर्न कर दी और देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आ रही है और ये उतने ही मज़ेदार जायके में भी बनते हैं। आपने आराम से इसको दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि आपने टर्न करते वक्त आराम से टर्न करना है ताकि इसका टमाटर जो है जो ऊपर मैंने लगाया स्लाइस वो उतरे ना, इसके साथ ही रहे। बड़ी खूबसूरत सी शक्ल आई और ये अब हमारे जो कबाब हैं दोनों अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं और अब हम सर्व कर रहे हैं ग्रीन चटनी के साथ। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।